नोटबंदी के बाद मोदी सरकार की सुर से सुर मिला रहे बाबा रामदेव ने सरकार पर पलटवार करते हुए अब इसमें घोटाला होने की बात कही है। वहीं इसके पहले मोदी सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए रामदेव ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। नोटबंदी के फैसले से काले धन पर लगाम तो लगेगी ही, साथ ही आर्थिक और राजनीतिक अपराध पर भी नकेल कसने में सहूलियत होगी। साथ ही बाबा रामदेव ने नोट बंद करने पर हो रहे तमाम विरोधों पर सभी से देश के लिए एकजुट होने की अपील भी की थी। लेकिन अब बाबा रामदेव ने कहा है कि विमुद्रीकरण से 3 से 5 लाख करोड़ का घोटाला सामने आएगा। रामदेव ने बैंकिंग सिस्टम और RBI की कार्यप्रणाली पर भी संदेह व्यक्त किया है। रामदेव ने तो यहाँ तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इतना नहीं सोचा होगा कि बैंक वाले इतने बेईमान निकलेंगे। रामदेव के मुताबिक इस फैसले को लागू करने में कुछ चीजों को सुधारा जा सकता था। वहीं एक ही सीरीज के दो नोट छापे जाने की खबर पर रामदेव ने कहा है कि यह देश की व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा कलंक होगा। वहीं काले धन को काबू करने के फॉर्मूले पर रामदेव ने कहा कि हमने एक साथ 3 बातें कही थी, पहला कि सारी बड़ी करेंसी बंद हो, कैशलेस सिस्टम हो, ट्रांजैक्शन टैक्स लगे और बैंकिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए, लेकिन हमारी सिर्फ एक बात मानी गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था तभी साफ होगी जब तीनों को एक साथ लागू किया जाएगा।